रेशियो चैप्टर है 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, क्वेश्चन नंबर 66 है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, तो चूंकि आपकी इच्छा है इसीलिए मैं इसे बना रहा हूँ, वरना जरूरी है नहीं। ये क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कैश इन हैंड। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, चालू अनुपात निकालना है, तरल अनुपात की गणना करनी है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, चालू अनुपात करंट रेशियो सी ए बटे सी एल, सी ए में क्या सब आएगा, तो कैश आपका सी ए है, बैंक सी ए है, डेटर सी ए है, अब इस रिसीवेबल सी ए है, सबको जोड़ देंगे हम, अब भाग कर देंगे सी एल से, सी एल में क्या सा आएगा, बी पी है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन है, तीनों सी एल है, और सबसे नीचे में स्टॉक है, स्टॉक जो है सी ए है, सबको जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करंट एसेट्स, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स होते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या सब है, हमने यहाँ पर दिया हुआ है कैश इन हैंड प्लस कैसेट बैंक प्लस डेटर्स प्लस बीस रिसीवेबल प्लस स्टॉक, सबको जोड़ दो ये होता है 486,000। और सी एल में जो है क्रेडिटर्स बी पी प्लस प्रोविजन, सबको जोड़ दो ये होता है 243,000। आपको निकालना है करंट रेशियो सी ए बटे सी एल, भागा कर देंगे हम, ये जो दो बार में कट जाता है, 2:1 हो गया, ठीक है। आगे आपको निकालना है लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स में क्या सब आएगा, बहुत ही सिंपल है। लिक्विड एसेट्स में जो है, एक मिनट, लिक्विड एसेट्स में जो है, लिक्विड एसेट्स में जो है सब कुछ वही रहेगा। एल ए, इसका फॉर्मूला होता है सी ए मतलब करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक बटे सी एल। तो जो आप यहां पर देख रहे हैं करंट एसेट्स ये है 486,000, इसमें से स्टॉक को माइनस कर दो, स्टॉक कितना है, स्टॉक सबसे लास्ट में है, स्टॉक है 315,000। तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से जो है 486,000 में 315,000 माइनस कर देंगे, जितना आएगा सी एल 243 है ना, 243 से आप भागा कर देंगे, एक मिनट रुकिए मैं जरा सा, चलिए इसको आप भागा कर देंगे, जो आएगा वही आपका लिक्विड रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि लिक्विड रेशियो आपसे निकल जाना चाहिए, यदि आपसे नहीं निकल रहा है ना तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक थोड़ा सा गुना भाग कर लेता हूँ इधर साइड में। ये है 486,000 है, 486,000 में लेस कर देंगे हम 315,000, तो 5, 1, 6, 1, 7, 8, 3, 4, ये होता है लेस करने से, एल ए हो गया आपका 171,000, ठीक है, भागा लगा दो 243,000 से, ये जो है ना आप गुना भाग करेंगे, ये तो जो है पूरी तरह से कटेगा नहीं, ये 171 अनुपात 243, और छोटा करना है भागा लगा दीजिए, ये 19:27 हो जाएगा, 19:27, और छोटा करना है तो आप भागा दे सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66, आगे देखते हैं 67 भी आपका रिक्वायरमेंट है, तो मैं आज प्रयास करता हूँ कि 67 68 बनाकर अपलोड करने का। थैंक्स।